यस बेटा, सिक्स क्लास। आज हम करेंगे पेज नंबर 18, जो हमारा रह गया था पॉइंट नंबर 6 से, रफेज से। इट इज़ द फाइबर कंटेंट ऑफ प्लांट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ये एक ऐसा फाइबर है, वैसे रफेज की हिंदी तो होती है रुक्सांश, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आप रफेज ही याद करेंगे। ये एक फाइबर, प्लांट का एक फाइबर ऐसा वो होता है, पौधे का एक ऐसा रेशे वाले, रेशा युक्त सामग्री होती है। कंटेंट माने सामग्री, फाइबर माने रेशा युक्त, प्लांट माने पौधे की, पौधे की एक रेशे वाली सामग्री होती है, रेशे जैसी, विच वी ऑब्टेन, जो हम किससे प्राप्त करते हैं, फूड से, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि रफेज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे प्लांट का हिस्सा होता है और ये इट ऑब्टेन फ्रॉम फूड, जिसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। रफेज हेल्प इन, रफेज किस चीज़ में सहायता करता है हमारी, इसमें कोई भी क्या नहीं होता, पोषक तत्व नहीं होता, ना कोई विटामिन होता, ना प्रोटीन होता, मिनरल कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा ये फिर अगर हम ये कहें कि जब इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है। रफेज हेल्प इन, देखिए किस तरह से करता है। रिटेनिंग वाटर नीडेड द बॉडी, रिटेनिंग वाटर शरीर के लिए आवश्यक जल को बनाए रखने में, शरीर के लिए, जैसे हमारे शरीर में क्या करता है, जो जैसे हमने पानी पी लिया, बहुत देर तक हमें पानी नहीं मिलता, तो जो रिटेन हुआ हुआ पानी होता है, उसकी आवश्यकता को कौन पूरी करता है, यही करता है, रफेज ही पूरी करता है। एड बल्क टू आवर फूड, और हमारे शरीर में यह बल्क टू आवर फूड, एड बल्क, रेशों को जोड़ने का काम करता है। एंड हेल्प प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिंग सिस्टम, और पाचन तंत्र द्वारा समुचित रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से काम करे, इसमें भी हमारी हेल्प करता है। तब रफेज के बारे में अगर आपसे कोई पूछने लग जाए बेटा, तो आप कहेंगे ये प्लांट से हमें प्राप्त होता है, प्लांट में, और इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, और किस चीज़ में सहायता करता है, रिटेन वाटर में, और एड बल्क टू आवर फूड, हमारे शरीर में क्या ऐड करता है, हेल्प प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, प्रॉपर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करे, इसमें हमारी सहायता करता है। अब आगे आता है यूजेज ऑफ सोर्सेज ऑफ रफेज। अब हमें रफेज कहाँ से मिलता है, ये हमें ध्यान देना है कि रफेज हमें, वी कैन ऑब्टेन रफेज बाय इंक्लूडिंग सीजनल सैलड, जो सीजनल सलाद होती है, मौसमी जो सलाद होती है, उनसे, सब्जियों से, फ्रूट से, और इन आवर डेली मील, और हम अपना जो हर रोज का भोजन खाते हैं, उससे हमें प्राप्त होता है सोर्सेज ऑफ रफेज। तीन क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं, इसके इसके यूजेज क्या हैं, इसका सोर्सेज क्या हैं, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अब आ गया था वाटर, पानी बहुत ही जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, दैट इज़ वाटर। अब आगे आता है वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, सर्वाइवल होता है जीवित रहने के लिए, ह्यूमन मानव, एसेंशियल माने सबसे आवश्यक या अति आवश्यक, वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मानव जीवन को जीवित रहने के लिए या मानव के जीवित रहने के लिए जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर, इट हेल्प्स आवर बॉडी, है हमारे शरीर की सहायता करता है टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, भोजन में से पोषक तत्वों को चूसने का, अवशोषित करने का कार्य करता है। वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल एंड हेल्दी, और पानी का क्या कार्य करता है, पानी का पहला कार्य क्या होता है, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। दूसरा क्या है, वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल एंड हेल्दी, पानी हमारे शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने में सहायता करता है। नंबर थ्री आएगा, कीप आवर स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग, हमारी स्किन को चिकना और चमकदार बनाने में सहायता करता है। एंड हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, एंड ऑल्सो एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट इन फ्रंट, और हमारे शरीर में से गंद को निकालने में, वेस्ट माने बेकार की जो चीज़ें होते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, गंद को बाहर निकालने में किसके द्वारा, पसीने के द्वारा या यूरिन माने मलमूत्र के द्वारा, हमारे शरीर में से बाहर निकालने का काम कौन करता है,
पानी ही करता है। तो ये वाटर के, अगर आपसे ये कहा गए वाटर के यूजेज, तो इट हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, नंबर वन। नंबर टू, वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल एंड हेल्दी। नंबर थ्री, कीप आवर स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग। नंबर फोर, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ये चार पॉइंट आप बनाएंगे कि हाउ वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब आगे आता है, वी ऑल्सो गेट वाटर थ्रू मिल्क, टी, जूसेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वी गेट वाटर, हम पानी प्राप्त करते हैं किससे? दूध से, चाय से, जूस से, फ्रूट से और वेजिटेबल से। अब वाटर के सोर्सेज हैं ये एक तरह से कि हम वाटर, एक तो हम पानी के रूप में पीते हैं, और दूसरा जो हम दूध पीते हैं उसमें पानी होता है, चाय पीते हैं उसमें होता है, जूस पीते हैं उसमें होता है, जो हम फ्रूट खाते हैं उसमें पानी होता है, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन क्या आ गया, सोर्सेज ऑफ वाटर। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन विच इज डेंजरस फॉर लाइफ। एक्सेसिव क्या होता है बेटा, जल की अत्यधिक कमी के कारण, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा कमी के कारण लीड टू डिहाइड्रेशन, इससे क्या हो जाता है हमें डिहाइड्रेशन, ये एक बीमारी का नाम है, वैसे इसको हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। विच इज डेंजरस फॉर लाइफ, जो जिंदगी के लिए क्या है, खतरनाक है, विच इज डेंजरस फॉर लाइफ। आगे आता है, लेट अस फॉर्म ए एन एक्टिविटी टू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड आइटम। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड आइटम। लेट अस एक एक्टिविटी बनाए जिससे हमें पता चले कि किस फूड आइटम में पानी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की जो है वो एक क्रियाकलाप लाएंगे उसकी उपस्थिति दिखाने के लिए। एक्टिविटी नंबर फोर, आपको ये सारी एक्टिविटी बेटा लिखनी चाहिए और इस एक्टिविटी को भी आप लिखेंगे, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड आइटम। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की इसमें जल की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किसी खाद्य पदार्थ में, फूड आइटम माने खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में पानी की उपस्थिति को हम कैसे दिखाएंगे, ये लिखना है बेटा सबको। क्वेश्चन बनाने हैं, रफेज क्या है, कहाँ से मिलता है, रफेज के यूजेस क्या हैं, रफेज के सोर्सेज क्या हैं, वाटर, मानव, वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल ये लिख देंगे, वाटर हमारे शरीर के लिए कैसे कैसे कार्य करता है, वाटर के सोर्सेज क्या हैं, वाटर की कमी के कारण क्या हो जाता है, ये पूरा पांच छह क्वेश्चन लिखेंगे आप। मटेरियल रिक्वायर्ड, फ्रूट, फ्रेश फूड, लेमन और ऑरेंज, वेजिटेबल, पोटेटो, स्पिनच, लेव और टमेटो एंड नाइफ। क्या क्या चीजें चाहिए हमें, या तो कोई भी हम फ्रेश फ्रूट ले लें, फ्रूट ले लें, ताजा फल ले लें, लेमन ले लें या ऑरेंज ले लें, या कोई सब्जी ले लें, जैसे आलू ले लिया, पालक ले ली, पालक के पत्ते ले लिए, टमाटर ले लिया और एक चाकू, केवल इन चीजों की हमें जरूरत होती है। अब इसको कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या है इसका, टेक ए फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, एक ताजा फल या सब्जी लेंगे, कट इट एंड टू पीसेज, ये तो आप घर पे कर भी सकते हैं बेटा, उसको क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में काट देंगे, काटने के बाद क्या करेंगे, एंड टच द पीस विद योर फिंगर्स, और अपनी उंगलियों से इनको क्या करेंगे, फिंगर्स को टच करेंगे या छुएंगे, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, योर फिंगर्स बिकम डैम्प, आपकी उंगलियां क्या हो जाएंगी, गीली हो जाएंगे, डैम्प हो जाएंगे। इन फ्रेंच क्या है, वाटर इज प्रेजेंट इन फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थों में जल उपस्थित होता है, वाटर इज प्रेजेंट इन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में पानी क्या है, उपस्थित होता है, ये एक्टिविटी फोर करेंगे। अब आगे आता है बेटा बैलेंस डाइट, हम डाइट तो लेते हैं लेकिन कई बार हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो अब आगे आता है कि डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट क्या होती है। द फूड विच ए पर्सन टेक्स इज कॉल्ड ए डाइट, भोजन जो एक आदमी खाता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम आहार कहते हैं अपना, जैसे हम भूख लगती है तो हम कहते हैं कि खाना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड डाइट। अब आगे आते हैं, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट और प्रोपोर्शन एज इज रिक्वायर्ड आवर बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग इज कॉल्ड बैलेंस डाइट।
संतुलित आहार, एक तो आहार हो गया, डाइट तो हमारा आहार हो गया, जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट। अब एक आता है कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा व्हाट इज डाइट, उसके बाद बनता है बैलेंस डाइट, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, एक ऐसा आहार या एक ऐसा भोजन जिसमें प्रॉपर अमाउंट माने उचित मात्रा में सारे पोषक तत्व तो उपस्थित हों एज इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को जिनकी जरूरत होती है फॉर नॉर्मल ग्रोथ, एक नॉर्मल सी ग्रोथ के लिए, सामान्य ग्रोथ के लिए एंड फंक्शनिंग और उसमें कार्य करने के लिए इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट एज इज रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इट इंक्लूड एनर्जी गिविंग फूड, इट इंक्लूड इसमें क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ऊर्जा देने वाला भोजन, शरीर को बनाने वाला भोजन, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, रफेज होते हैं और वाटर होता है, जो पीछे आपने सारे पढ़े थे वो क्या थे, बैलेंस डाइट के ही एग्जाम्पल थे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ, क्या कराइए, सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और रफेज हैं, आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ शरीर के ठीक ढंग से कार्य करने के लिए सबकी जरूरत होती है और एक अच्छा हेल्दी शरीर बनाने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। अब आगे आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों का पोषक मूल्य क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक वैल्यू क्या है। समटाइम्स इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, कई बार क्या होता है, भोजन को ठीक ढंग से अगर ना पकाया जाए, प्रेजेंट इम्प्रॉपर, प्रॉपर होता है ठीक, इम्प्रॉपर होता है ठीक तरीके से ना कुकिंग का तरीका किया जाए तो डिस्ट्रॉय माने नष्ट हो जाते हैं द न्यूट्रिएंट्स माने खाद्य पदार्थ फ्रॉम द फूड माने भोजन से, भोजन से अगर कई बार अगर भोजन को ठीक ढंग से ना पकाया जाए तो उसके भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दिस लोअर्स देयर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, इससे उनका पोषक मूल्य क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या हो जाती है, लोअर माने कम हो जाती है। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड ऑलवेज बी वॉश बिफोर पीलिंग और कटिंग, क्या किन किन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके पोषक तत्व सभी मिल जाएं, फ्रूट और वेजिटेबल्स शुड ऑलवेज बी वॉश्ड, हमेशा वॉश करने चाहिए, धोने चाहिए, बिफोर पीलिंग और कटिंग, छीलने से पहले या काटने से, काटने के बिफोर पीलिंग और कटिंग, काटने और छीलने से पहले हमें हमेशा उनको धोना चाहिए, इफ यू वॉश देम आफ्टर कटिंग, अगर हम इनको काटने के बाद धोते हैं, सर्टेन विटामिन्स, कुछ आवश्यक विटामिन जैसे बी एंड सी एंड मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे विद वाटर, वो पानी के साथ धुल जाते हैं, इसलिए हमेशा हमें फ्रूट और सब्जियों को धोने काटने से पहले धोना चाहिए, न कि काटने के बाद, अगर हम काटने के बाद धोते हैं तो हमारे विटामिन बी और सी और कुछ मिनरल्स पानी के साथ चले जाते हैं। वेजिटेबल शुड नॉट बी ओवर कुक, सब्जियों को कभी भी ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, ओवर कुकिंग माने ज्यादा पकाने पर डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, जो उसमें पोषक तत्व उपस्थित हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फूड रिच इन विटामिन सी शुड बी ईटन रॉ एज कुकिंग, विटामिन सी जिन खाद्य पदार्थों में होता है शुड बी ईटन रॉ, उनको कैसा खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए एज कुकिंग एंड हीटिंग, क्योंकि पकाने के बाद या गर्म करने के बाद डिस्ट्रॉय द विटामिन, उसका विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो विटामिन सी की सब्जियां हैं, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें कैसे खाने चाहिए, कच्चे खाने चाहिए। द स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स ए लॉट ऑफ विटामिन, स्किन ऑफ फ्रूट्स छिलका, फ्रूट और वेजिटेबल का छिलका, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल और
फाइबर होता है, सो वी शुड ईट देम विद द स्किन इफ पॉसिबल, अगर संभव हो सके तो उनको छिलके समेत खाना चाहिए। कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स का क्या है, विटामिन्स होते हैं उसके छिलके में, स्किन किसको बोलते हैं, छिलका, उसके छिलके में, तो उसे हमें कैसा खाना चाहिए, बिना छिले हुए खाना चाहिए अगर संभव हो सके तो। रिफाइंड फूड सच एज मैदा हैव लोअर न्यूट्रिशन वैल्यू एज कम्पेयर टू होल ग्रेन फूड सच एज आटा। रिफाइंड फूड किसको बोलते हैं, ऐसा भोजन जो रिफाइंड किया हुआ, बार बार उसको साफ किया गया हुआ, जैसे मैदा है, मैदा रिफाइंड, आटे का रिफाइंड रूप मैदा होता है बेटा। रिफाइंड फूड सच एज मैदा हैव लोअर, उसमें कम न्यूट्रिशन वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू होल ग्रेन, पूर्ण मतलब पूरे खाद्य साबुत अनाज की मात्रा में, जैसे कि आटा, आटे की अपेक्षा जो हम मैदा खाते हैं, क्योंकि मैदा भी बनता आटे का ही है लेकिन उसको रिफाइंड वे में बनाया जाता है, तो कह रहा है कि रिफाइंड कुक हमें कम खाना चाहिए क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सॉकिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स इन वाटर, छिली हुई सब्जियों को जल में भिगोना या काटना, शॉकिंग कट और पील्ड वेजिटेबल इन वाटर। अब आ जाता है डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, लैक ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज द एबनॉर्मलिटी फॉर और डिजीज, लैक ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की कमी के कारण कैन कॉज द एबनॉर्मलिटी और डिजीज, बहुत सारी क्या हो जाती हैं, असामान्य बीमारियां हमें पैदा हो जाती हैं, जैसे लैक ऑफ प्रोटीन इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे प्रोटीन की कमी, लैक माने कमी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मे लीड टू स्टंटेड ग्रोथ, तो क्या हो जाता है, हमारी वृद्धि, शरीर की जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारे चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, डिसकलोरेशन ऑफ हेयर, हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, स्किन डिजीज एंड डायरिया, और हमें क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, डायरिया भी एक बीमारी है बेटा, और हमें स्किन डिजीज हो जाती है, किस चीज़ की कमी के कारण हो जाती है, जब हम न्यूट्रिशन प्रोटीन्स ठीक से नहीं लेते। ये फूड हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी भी कमी होता है, कमी हो जाती है, तो कॉल्ड PEM प्रोटीन एनर्जी मैन्यूट्रिशन इट क्योजिज ए डिजीज कॉल्ड मैरासम्स, इस तो हमें क्या हो जाता है, मैरासम्स क्या होता है, कुपोषण, तो इससे हमें किस चीज की क्या हो जाता है, एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसको हम मैरासम्स बोलते हैं, इन विच द ग्रोथ स्टॉप्स कम्प्लीटली, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और जिससे कि हमारी पूरी तरह से जो ग्रोथ हो रही होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। सम डिजीज डिसऑर्डर आर क्योज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और कुछ और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं विटामिन और मिनरल की कमी के कारण, अगर हम भोजन में पूरी तरह से विटामिन प्रोटीन मिनरल्स नहीं लेते तो और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दीज आर गिवन इन द ब्लो टेबल, ये नीचे आपके टेबल में दिखाई गई हैं, कल मैंने आपको कहा था कि बेटा ये टेबल बनानी है तो सभी बच्चों ने बनाई होगी, और इसी तरह से बना करके इस 18 और 19 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, वो भी आपको लिखने हैं, उसके बाद बेटा हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, वो कल करेंगे। ओके।